Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की हमारी रेसिपी मुरादाबादी कुल्हड़ दाल है। मूंग दाल से बनने वाली चटपटी, मजेदार, जायकेदार, गर्मा गर्म परोसे जाने वाली स्ट्रीट फूड में से एक है। मुरादाबाद की स्ट्रीट फूड में फेमस रेसिपी में से है। तो आइए बिना देर किए हुए मुरादाबाद का फेमस कुल्हड़ दाल बनाना शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। आज हम मुरादाबादी कुल्हड़ दाल बनाएंगे। मुरादाबादी कुल्हड़ दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पे मूंग की दाल ले लिया है और मूंग की दाल हमने यहाँ 250 ग्राम लिया है। 250 ग्राम मूंग की दाल लेने के बाद हमने इसको कई पानी से धुलने के बाद एक से दो घंटे के लिए हमें भिंगा देना है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो एक से दो घंटे भिंगाएं, नहीं तो 15 से 20 मिनट भिंगाने के बाद हमें इसे उबालना है। और हमने इसको भिंगाने के बाद अच्छे से धुल लिया है और इसे हमें एक प्रेशर कुकर में डाल लेना है और इसमें एक गिलास हमें पानी डालना है और इनके साथ हमें एक चम्मच नमक डालेंगे। रेगुलर नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं। 1/4 स्पून इसमें हल्दी डालना है और इसे हमें दो सीटी इसको दिला लेना है ताकि हमारे दाल अच्छे से गल जाए। और दाल जब हमारा गल जाएगा तब हमें आगे का प्रोसेस करना है। हमारी मूंग दाल तैयार हो गई है। दो सीटी में अच्छी से ये गल गई है। इतना ही हमें पकाना है और इसकी थिकनेस भी हमें ज्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है और ज्यादा पतली भी नहीं रखनी है। और इस तरह से ये हमारी मूंग दाल, मुरादाबादी कुल्हड़ मूंग दाल के लिए तैयार हो गया है दाल। अब इसे हमें सर्व करने के लिए हमने यहाँ पे कुल्हड़ लिया है। मुरादाबाद में स्ट्रीट में कुल्हड़ दाल में ये काफी फेमस है तो हम भी यहाँ पे कुल्हड़ में ही बनाएंगे, सर्व करेंगे इसको। तो इसको सर्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस कुल्हड़ में हमें दाल को डाल लेना है। अब इसके साथ हमें इसमें कुछ मसाले जाएंगे। मसालों में हमने यहाँ पे काला नमक पहले लिया है, काला नमक डालेंगे। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हमने दाल बनाने में भी नमक डाला है, इस चीज का ध्यान देंगे। और इनके साथ भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा। और इसमें हमें मैजिक गन पाउडर हम इसमें डालेंगे एक से दो चुटकी, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा इस दाल का आएगा। मैजिक गन पाउडर का वीडियो हम पिछले वीडियो में हमने बनाया है, मैं लिंक डाल दूंगी, आप उसे जरूर देख लें। और इनके साथ हमने हरी चटनी बना कर रखा है। लहसुन, हरी धनिया, हरी मिर्च का हमने ये इसमें चटनी बनाया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लहसुन को ना डालें। जितना तीखा आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से इसमें क्वांटिटीज की डालेंगे। अब इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। ये फटाफट बनने वाला मुरादाबादी कुल्हड़ दाल है और खास तौर पे मूंग की दाल पीने में और खाने में बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप इसे जरूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए। अब इसमें हमें महीन कटा हुआ अदरक हम इसमें डालेंगे और इनके साथ हरी मिर्च डालेंगे, इनके साथ टमाटर डालेंगे। टमाटर को हमने महीन महीन चॉप कर लिया है, जिस तरह से अंडे में हम लोग डालते हैं उसी तरह से इस महीन महीन कटा हुआ प्याज है, प्याज डालेंगे। और यहाँ पे हमने खीरा लिया है, इसको भी महीन महीन हमने चॉप कर लिया है। अगर आप खीरा नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर दें। और इसके साथ हरी धनिया जाएगा, हरी धनिया और पुदीना इसमें महीन कटा हुआ जाएगा। और फिर एक बार इसमें भुना हुआ जीरा जाएगा, मैजिक गन पाउडर जाएगा इसमें, और इनके साथ हमने यहाँ पे मटरी लिया है, मटरी को इसमें हम डालेंगे। और इसमें हमने मिक्स दालमोट लिया है,
नवरत्नी मिक्स दालमोठ लिया है, ये डालेंगे इसमें, इसका टेस्ट काफी बढ़ा देगा। और मटरी को हमें क्रश करके डाल देना है इसमें। दो से तीन मटरी आप इसमें डालें ताकि खाने में मजा आए। और इनके साथ इस तरह से स्लाइस में कटा हुआ बटर इसमें डालेंगे, बटर से इस दाल का स्वाद काफी बेहतरीन आ जाता है। इस तरह से ये साइड में हम बटर लगा देंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी मजा आए। और एक बार और इसमें टमाटर, थोड़ा सा कहीं कहीं टमाटर डालेंगे और प्याज डालेंगे। और इसमें मैजिक गन पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा टच एक देंगे हरी चटनी का। इसमें हरी चटनी का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से ये हमारा मुरादाबादी कुल्हड़ दाल बांधकर तैयार हो गया है। आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और यमी ये हमारा मुरादाबादी कुल्हड़ दाल लगता है। ये हमारे मुरादाबादी कुल्हड़ दाल बनकर तैयार है, आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय करें। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आप सभी के सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से थैंक्स। आप सभी इसी तरह से ज़्यादा हमारे हंगरी स्पून चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहें। आप अपना, अपने परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें और उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.